जिंदगी बना ली। सोचने समझने का नजरिया होता है। आइएगा, एक छोटी सी कोशिश कर रही हूं। जब केवट से प्रभु राम ने कहा कि हमें गंगा पार जाना है, कहा कि हमें गंगा पार करा दो, तो केवट ने कहा प्रभु गंगा पार तो हम करा दें, लेकिन उससे पहले हम आपके चरण धोना चाहते हैं। कहा कि हम आपके चरण धोना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि आपके चरणों में जादू है। जादू है, जादू। जब पत्थर नारी बन सकता है, तो ये मेरी लकड़ी की नाव है, कहीं ये ना नारी बन जाए। कहा हम चरण धोना चाहते हैं, और जैसे ही प्रभु राम ने आज्ञा दे दी ठीक है, तो देखिएगा हुआ क्या। कहा कि लाया कठोता केवट, लाया कठोता में जल भर के धोलिया चरणों को जी भर के। और जब चरणों का धोलिया, लेकिन जो चरणों का धोन निकला, जिसे कहते हैं चरणामृत, वो पान करने के लिए केवट ने अपने पूरे परिवार को बुला लिया, पूरे परिवार को बुला लिया। तो कहना पड़ा क्या, पीने लगे जब मिलकर सारे, सिया लखन को करें इशारे। अगर हमें चरणामृत चाहिए, तो हमें केवट के परिवार की लाइन में लग जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये सब मिल कर पी जाए हम दोनों तो रह जाए। Yeah.
मिला कितना? कितना? कहा क्या पाया हरि का चरणामृत। क्या बात है? पाया एक बूंद भाभी एक बूंद भैया जी। ए, ए, ए। केवल एक बूंद माता सीता को और एक बूंद भैया लक्ष्मण को तो कहना पड़ा क्या? एक बूंद भाभी एक बूंद भैया। एक बूंद भाभी एक बूंद।